सावन का महीना हो और कावड़ियों की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सालों से चलती आ रही ये परंपरा आज एक अलग ही रूप ले चुकी है। और जिस तरह से सावन में कावड़ी यात्रा का एक चलन है, उस पर कुछ कावड़िये मेरे साथ हैं जो बताएंगे कि किन अपनी मनोकामनाओं के साथ वो कावड़ लेने जाते हैं। महिलाएं भी यहाँ पर कुछ पहुँची हैं। आप बताएंगे, आप कावड़ यात्रा करके आ रहे हैं, कितने साल से कावड़ लेने जा रहे हैं? भैया मेरे को 14 साल हो गए, मेरी 14वीं कावड़ है। मैंने कहाँ से हैं आप, पहले ही बताइए। मैं दिल्ली बाटी माइन से हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित नाम है भैया मेरा। सुमित नाम है। अच्छा, क्या मनोकामना लेके आप वहाँ जाते हैं? भैया मेरी जो मैंने मन से दिल से मांगा, बच्चे मांगे, बच्चे भी मिले, जो नौकरी चाहिए वो भी मिली, जो कुछ मांगा मैंने। नौकरी किस डिपार्टमेंट में करते हैं आप? मैं भैया वैसे ही प्राइवेट नौकरी करता हूँ, PWD में। ठीक है, और बाकी जो चाहता हूँ वो मिल गया। भगवान के दरबार जाते, जो मांगते वही मिल जाता, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी कोई बोला जाता है, जो कोई भी आस करके जाए, उसको हर चीज़ मिल जाती बोले। अच्छा, जब मनोकामना की बात आती है, आपको ऐसा लगता है कि सरकार नहीं, अब भोलेनाथ पर विश्वास करना पड़ रहा है? बिल्कुल, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा, जरूर करो। हर कोई सरकार पर विश्वास नहीं है? नहीं, सरकार पे भी भैया, सरकार पे क्या भरोसा, सरकार बदलती रहती है। अच्छा। पर भगवान थोड़ा ना बदलेंगे, हर किसी है तो हमारे हिंदू धर्म में सब अपने, हर कोई अपने मानो कुछ भी किसी भी रूप में पूजते हैं, भगवान सबके एक ही हैं, बाकी रूप अलग अलग हैं बोले। सावन में बढ़िया झड़ी लग रही है, अच्छा मौसम है, जाना चाहिए। हम भी साल में पूरे एक दिन, 10 दिन का, 15 दिन का टाइम निकाल के स्पेशल जाते हैं। आप बताइए, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजबीर है। राजबीर, राजबीर जी कहाँ से हैं आप? मैं भी छतरपुर भाटी माइन से हूँ, दिल्ली से। अच्छा, कितने साल से जा रहे हैं आप? मैं फर्स्ट कावड़ लेने गया था। कितने साल से? पहली कावड़। अच्छा, पहली कावड़ है। क्या मनोकामना लेके गए थे? कुछ लगा ऐसा कि हाँ, कुछ मनोकामना लेके जाऊँगा तो वहाँ पूरी हो जाएगी? लेके गए थे, अभी तो देखेंगे, मनोकामना वही पूरी करेंगे। अच्छा, क्या मतलब, कैसी मनोकामना? नौकरी को लेकर किस तरह की मनोकामना लेके? नहीं, घर के लिए, घर के लिए। अच्छा, घर के लिए। तो मतलब आप सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं है, मैं सरकार से क्या लेना, बस भोले बाबा करेंगे, जो करेंगे भोले बाबा करेंगे। चलिए, कुछ और महिलाएं भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आप कहाँ से, आप बताएंगी पहले? दिल्ली। किस जगह? दिल्ली से। छतरपुर से आगे, भाटी माइंड। भाटी माइंड। क्या नाम है आपका? सुनीता। 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 अच्छा, ये बताइए कितने साल से आप ला रही हैं? दूसरी कावड़ है मेरी। दूसरी कावड़ है। क्या मनोकामना लेके आप गई? लड़की इतने बड़े हो गए, बोलती नहीं थी कुछ भी। मैंने पहली कावड़ लेके आई, बोलती है। बोलती है। अब दूसरे जोड़ा करा मैंने। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? मीना। मीना। अच्छा, मीना। मीना जी, आप बताएंगी कितने साल से आप ला रही हैं कावड़? पहली कावड़। पहली। हाँ। क्या मनोकामना लेके गई थी आप? मेरी बहन की औलाद नहीं थी। अच्छा। बच्चे, जब उसका लड़का हुआ 7 साल के बाद। तो ये क्या सब चीज मतलब अचानक से हुआ या कहीं उनका इलाज कराया गया, ऐसा तब हुआ पॉसिबल? दवाई भी ली थी और कुछ मन्नत भी मानी थी हमने। अच्छा, तो आप इसका श्रेय जो है वो भोलेनाथ को देना चाहेंगे? उनसे मनोकामना की जब मांगे तो उसी को देंगे, भोलेनाथ भरोसा हमें। आगे भी ये चीज जारी रहेगी, मतलब कावड़ वगैरह जो ला रही हैं आप? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जो लोग थे, हमने उनसे बात की, जो कावड़ यात्रा कर आ रहे हैं, हरिद्वार से ये चल कर आ रहे हैं, और इन्होंने बताया कि इनकी जो मनोकामना है वो भगवान भोले ने पूरी की और तब जाकर उन्हें कुछ फल मिल पाया। लेकिन लोगों की समझ, क्या आस्था तक ही जुड़कर रह गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिन चीज़ों पर वो बात कर रहे हैं, उनसे जरा भी वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उन साइंस आज इतना आगे बढ़ गया है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो क्या साइंस का उसमें कोई भी अहम योगदान नहीं रहा है? जिन बातों को लेकर ये दावे कर रहे हैं कि उन सब चीज़ों से इन्हें फ़ायदा हुआ है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो आप हमारी इस खबर को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम, गाज़ियाबाद।